हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। और हम आज 10 ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो टीवीएफ द्वारा बनाई गई है और जिसे आप यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हैं। मैं आपको इन सभी सीरीज के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन से सीरीज को आप किस चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने टीवीएफ के ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अब चलिए याद ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली सीरीज जो नंबर 10 पे आ रही है उसका नाम है रबीश की रिपोर्ट। इस सीरीज शुरू हुई है 2017 से और फिलहाल अभी तक चल रही है। और ये सीरीज बेस करती है एक बहुत बड़े न्यूज एंकर के ऊपर जिनका नाम तो आपको पता ही होगा, और उन्हीं के ऊपर बेस करके ये सीरीज फनी वे में बनाई गई है, जिसके लीड रोल में आपको दिखाई देने वाला है शिवांकित सिंह, जो बहुत सारे टीवीएफ के वीडियो में आपको दिखे होंगे। और इस सीरीज का सारा एपिसोड आप यूट्यूब के द स्क्रीन पत्ती चैनल पे देख सकते हैं। और इसको रेटिंग मिली है 8.8 की और फिलहाल इसका अभी तक 16 एपिसोड आ चुका है जो लगभग 15 से 20 मिनट की होती है। अगली सीरीज जो नंबर 9 पे आ रही है उसका नाम है टीवीएफ कपल्स। ये सीरीज शुरू हुई है 2019 से और इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको अलग कास्ट दिखने वाले हैं, लेकिन टॉपिक एक ही है कि एक कपल के बीच में कौन सी झगड़े, कौन सी अजीब तरह की बातें होती हैं, उस चीज को इस सीरीज में फनी वे से दिखाया गया है। सीरीज का टोटल 5 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 10 से 12 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज को आप यूट्यूब के दी वायरल फीवर चैनल पे देख सकते हैं और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 8.2 की। सीरीज नंबर 8 पे आती है, उसका नाम है हम तुम। सीरीज में एक कपल की कहानी को दिखाया गया है जो किसी कारणवश से दिवाली की छुट्टियों में अपने घर नहीं जा पाते हैं और इसीलिए वो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है और वो उस समय क्या क्या चीजें करते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं और वैलेंटाइन वीक पे जो जो फनी चीजें होती हैं वो भी चीजें आपको इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज एक कॉलेज रोमांस पे बेस्ड है, तो आपको अगर ऐसी सीरीज पसंद है तो ये जरूर पसंद आने वाली है। और इसका एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 10 से 12 मिनट के बीच की है और इस सीरीज को आप TSP के चैनल पे देख सकते हैं। नंबर 7 पर जो सीरीज आ रही है उसका नाम है ऑकवर्ड कन्वर्सेशन विद गर्लफ्रेंड। ये सीरीज 2020 में आई थी और अगर आपने टीवीएफ की सीरीज ऑकवर्ड कन्वर्सेशन विद पेरेंट्स देखे हैं तो ये सीरीज तो आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम अपने गर्लफ्रेंड के सामने नहीं बोल पाते और उन्हीं चीजों को इस सीरीज में दिखाया गया है, वो भी काफी फनी तरीके से। सीरीज में कोई कोई साइड कैरेक्टर है जो आपको शायद ज्यादा पसंद आ सकते हैं, लेकिन मेन स्टोरी एक कपल के ऊपर बेस करती है। और इस सीरीज का 6 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड लगभग 18 से 20 मिनट के बीच की है और इसको आप द स्क्रीन पर ती चैनल पर देख सकते हैं। 6 पे जो सीरीज आ रही है उसका नाम है टीवीएफ बैचलर्स। ये सीरीज शुरू हुई है 2016 से और इसके पहले सीजन में आपको लीड में भुवन बाम दिखेंगे और उनके साथ बहुत सारे टीवीएफ वाले कैरेक्टर्स दिखेंगे। और सेकंड सीजन में आपको लीड में जीतू भैया दिखने वाले हैं। सीरीज फोकस करती है कुछ बैचलर्स के ऊपर कि उनका रहन सहन कैसा है और आम दुनिया उनको किस नजर से देखती है और उनकी लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे रूम में सफाई की या फिर पैसों की प्रॉब्लम, ऐसी कुछ चीजें दिखाई गई हैं जो काफी फनी है। तो ये सीरीज तो आप जरूर देखना चाहेंगे। और इस सीरीज का टोटल 2 सीजन है जिसमें 13 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग आधे आधे घंटे की है और इस सीरीज को आप टीवीएफ के चैनल पे देख सकते हैं और रेटिंग मिली है इसको 8.2 की। 5 पे जो सीरीज आ रही है उसका नाम है दादूगिरी। ये सीरीज आई है 2022 में और सीरीज की कहानी बेस करती है दादाजी और उनके पोते के ऊपर। हम सभी को लगता है कि दादाजी बूढ़े हो गए हैं तो ज्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर न्यूज देखते होंगे, लेकिन इस सीरीज में बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो दादाजी है उनका एक अलग ही स्वैग है। वो हर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो उनका पोता सोच भी नहीं सकता और वो सब चीजें देखने में काफी फनी लगती है। तो अगर आप फैमिली बेस्ड सीरीज देखना पसंद करते हैं तो इसको तो जरूर देखिएगा। और इसका एक सीजन है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 12 से 15 मिनट के बीच की है और इसको आप टीवीएफ के चैनल पर देख सकते हैं और रेटिंग मिली है इसको 7.7 की। नंबर 4 पे जो सीरीज आ रही है उसका नाम है एस्पिरेंट्स। ये सीरीज आई है 2021 में और इसको आप टीवीएफ के चैनल पे देख सकते हैं और इसमें 3 दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है जो यूपीएससी सीएसई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो तीनों दिल्ली में रहते हैं और उनकी इस जर्नी को ही इस सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज जितनी इमोशनल है उतनी ही एडवेंचर से भरी हुई है और कुछ कुछ जगह तो ऐसे सीन्स हैं जो आपको हमेशा याद रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया है पहले तो ये सीरीज आपको काफी रिलेटेबल लगेगी। और इसको आप टीवीएफ के चैनल पर देख सकते हैं जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट के बीच की है और रेटिंग इसको मिली है 9.2 की।
अगली सीरीज जो नंबर 3 पे आ रही है उसका नाम है एसके सर की क्लास। ये सीरीज आई है 2023 में और ये एस्पिरेंस सीरीज की ही एक स्पिन ऑफ सीरीज है जिसमें एसके यानी हमारे श्वेत केतु जी की कहानी को दिखाया गया है कि एस्पिरेंट के बाद उनका जीवन कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या किया। तो अगर आप एस्पिरेंस सीरीज देखे हैं तभी जाके ये सीरीज देखिएगा, नहीं तो आपको समझने में काफी दिक्कत होगी। और ये भी टीवीएफ के चैनल पे अवेलेबल है जिसका 3 एपिसोड है और हर एक एपिसोड आधे आधे घंटे की है और रेटिंग इसको मिली है 8.3 की। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 2 पे आ रही है उसका नाम है संदीप भैया। ये सीरीज आई है 2023 में और ये भी एस्पिरेंट की एक स्पिन ऑफ सीरीज है जिसमें संदीप भैया की कहानी को दिखाया गया है। और जैसा मैंने पहले के सीरीज में भी बोला है कि अगर आपने एस्पिरेंट सीरीज देखी नहीं है तो ये सीरीज आपको समझने में काफी दिक्कत होगी, इसलिए आप पहले एस्पिरेंट देखिए फिर एसके सर की क्लास और संदीप भैया देख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों सीरीज टीवीएफ की बेस्ट वेब सीरीज में से है। तो अगर आप कोई भी एक मिस कर दें तो शायद आपको पछताना पड़ेगा। और इसे भी आप टीवीएफ के चैनल पर देख सकते हैं जिसमें 5 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 30 से 35 मिनट के बीच की है और रेटिंग इसको मिली है 9.4 की। हमारी आखिरी सीरीज जो नंबर 1 पे आ रही है उसका नाम है सिक्सर। ये सीरीज आई है 2022 में और ये एक क्रिकेट बेस्ड वेब सीरीज है जिसमें आपको टीवीएफ के कई फेमस एक्टर्स जैसे शिवांकित और बद्री चौहान दिखने वाले हैं। सीरीज काफी फनी है और इसमें एक गली क्रिकेट लीग की कहानी को दिखाया गया है कि कैसे बहुत सारी टीमें बनती हैं और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि पूरी टीम के लिए खेलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बस प्राइज मनी के लिए खेलते हैं। और सीरीज के अंत तक आप इसके हर एक कैरेक्टर से अटैच हो जाएंगे क्योंकि सबने कमाल की एक्टिंग की है। और इसका 6 एपिसोड है और इस सीरीज को भी आप टीवीएफ के चैनल पे देख सकते हैं जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट के बीच की है और रेटिंग इसको मिली है 8.6 की। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 ऐसी हिंदी वेब सीरीज जो कि टीवीएफ द्वारा बनाई गई है और जिन सभी को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वो भी फ्री में। अगर आपको टीवीएफ की सीरीज पसंद है तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आपने बाकी की सीरीज नहीं देखी है तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और यहां तक अगर आप आ चुके हैं और आपको ये अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।